बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन नीरज जी, आपको दिल्ली IVF के बारे में किसने बताया? रोहतक से पता लगा था हमें, न्यूज़ में भी देखा हमने, न्यूज़ में पढ़ा। रोहतक से बताया था हमें, किसी ने करवाया, उनके बोला कि जाओ डॉक्टर अनु गुप्ता के पास इलाज करो, तो वहाँ से हमें पता लगा। हमने पहले एक बार करवाया था, 5-6 साल पहले करवाया था, कामयाब नहीं हो पाया, तो दोबारा आए थे। तो दोबारा आने के बाद भी हमने बहुत कोशिश की, 2 बार हुआ 3 बार हुआ, नहीं बन पाई। लेकिन अब के बढ़ जाके हमें लगा हो गया भाई, चलो ठीक है, इसीलिए हम चलो और को बताएंगे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई चलो आप फोन पे बताना, ठीक है, और को बताएंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ की टीम से भी मिलके, बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके, काफ़ी अच्छा लगा। डॉक्टर साहब के और यहाँ स्टाफ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यही है कि चलो एक खुशी तो एक ही थी, लेकिन मान लीजिए दो दो सुन लीजिए, चलो दो दो हो गए अब तो। जी आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे शादी के कितने टाइम बाद आपको ये खुशी नसीब हुई? 10 ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल हो गए शादी हो। चलो चलो तो। और आप उन लोगों, जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहिए? हैं आपके बहुत हैं, लेकिन उनको बोलेंगे, कोशिश करेंगे, कहेंगे उनको यहाँ आने के लिए, कहेंगे हो सकेगा तो हम खुद लेके आएंगे उनको यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आने, चलो चलो हो गया कुछ किस तरह, लेकिन परेशानी तो बहुत हुई हमें, तो बहुत हुई, लेकिन बहुत टाइम बाद चलो हो ही गया, ये चलो खुशी है। चलिए सर, आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन।